ले आ जाओ तो वो चलो याद तो है भाई बोले। बारहवीं का आसाराम बापा। राम राम किसान भाइयों, ये देखो नेट हाउस है ना, ये देखो इसमें फ्रूट सेटिंग देखो कितनी कितनी ज़बरदस्त फ्रूट सेटिंग है। फ्रूट सेटिंग का मैं आपको हर बार यही चीज़ बताता हूँ कि फ्रूट सेटिंग माइक्रो न्यूट्रन से एनपीके सभी लोग देते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं हमारे फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही है, फ्रूट रुक नहीं रहा प्लांट पे। तो ये देखिए, ये देखो हर एक प्लांट पे फ्रूट रुक रहा है ना, कहाँ समस्या आ रही है ये देखो। अगर आप पॉली हाउस या नेट हाउस सही से मैनेज कर रहे हो, किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं आने दे रहे हो, प्री प्लानिंग में चल रहे हो, तो ये फ्रूट सेटिंग आपके सामने, ये देखो हर एक प्लांट पे। ये देखो अगर मैं बीज की बात करूँ इसमें, तो बीज है रिजवान कंपनी का कैप्टन स्टार, फ्रूट सेटिंग शानदार। मैनेज करना क्या है, मैनेज इतना ही करना है, एक तो डिजीज़ को कंट्रोल रखो, प्री प्लानिंग में ही डिजीज आने मत दो, और दूसरा है कि हमेशा ही फ्रूट इसकी, देखो हमने ग्रोथ 2-3 बार तो इसकी ग्रोथ कंट्रोल की, ये देखो ये हमने ग्रोथ अभी कंट्रोल की हुई ग्रोथ है, ये आपको लग रहा है कि पेड़ बढ़ नहीं रहा है, कंट्रोल करते ही पूरी फ्लावरिंग सेट हो गई, ये देखो ये देखो। तो ग्रोथ को इक्वल रखो, ज़्यादा ग्रोथ को देखो दौड़ने मत दो बिल्कुल भी, इक्वल रखोगे तो शानदार रहेगी। ये देखो आज इसमें टुड़ाई भी की है, पूरा प्लांट एवरग्रीन में आपको दिखाई देता हूँ ऊपर से, ये देखो अब ध्यान ये रखना है कि अभी टेम्परेचर अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ का तो ये ध्यान रखो विल्ट की समस्या ज़्यादा आ सकती है अभी, दूसरा इसमें थ्रिप्स, तीसरा है मकड़ी, तो ये 2-3-4 डिजीज है, इसका विशेष ध्यान रखो। देखो इसमें ना हेमर और वोइला का देखो 10 दिन से 10 दिन स्प्रे हो रहा है, अब कई कह रहे हैं कि हमारे पत्ते उसमें ख़राब हो रहे हैं, वो ब्लाइट आ रही है, डाउनी आ रहा वो आ रहा, ये देखो एक भी पत्ता इसमें, लेकिन इसमें हमने कर रखा है हेमर और उसके साथ में वोइला, हर 10 दिन से स्प्रे निकाल रहे हैं, ये देखो पूरे पत्ते एवरग्रीन है, ये देखो एक भी पत्ता डैमेज हो तो बताओ मेरे को, पूरी एवरग्रीन, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इसमें एनपीके वैसे मैनेज कर रहे हैं ठीक है, इसमें एडिशनल है जो क्यूबिकल है वो हम दे रहे हैं इसमें हर 5 दिन से 4 किलो, ये देखो पौधे की पूरा पूरा, ये देखो जबकि इसकी आज तुड़ाई हो गई है, उसको देख के नहीं लग रहा भाई आज इसमें इसमें से तोड़ लिया है। ये देखो एक चीज एक प्लांट में दिखाते, देखो देखो थ्रिप्स का टेक है, ये थ्रिप्स ये देखो, तो इसको थ्रिप्स को क्लियर करने के लिए देखो नीचे पत्ते एकदम सही, ऊपर देखो ये थ्रिप्स आ गए, इसके लिए ये जो इस तरह से पत्ते हो रहे हैं ना, ये देख लो आराम से इस तरह से अगर पत्ते हो रहे हैं, थ्रिप्स हो रही है, तो इसमें हमेशा ही गलती कहाँ कर रहे हैं हम, ये गलती कर रहे हैं कि आज जैसे स्प्रे
निकाल दिया थ्रिप्स का आपने तो भाई निकाल दिया, ये नहीं कम से कम दो हो सके तो तीन पर 3 दिन 3 स्प्रे करो इसके थ्रिप्स के, अगर इस तरह से पत्ते हो रखे हैं तो, या फिर दो तो करो ही करो, जैसे आज शाम को किया फिर कल शाम को फिर वापस रिपीट स्प्रे किया आपने, ये देखो जिससे क्या है कि थ्रिप्स क्लियर हो जाएगी। अब गलती ये करेंगे एक नॉर्मल स्प्रे करके छोड़ देते हैं भाई हमने तो थ्रिप्स कर दिया, तो वो क्या उसका रेडिजेंस फावर है जो डेवलप होता जाता है, एक स्प्रे करके छोड़ दिया उसमें फिर 5-6 दिन से फिर उसको वापस अपन ने स्प्रे किया फिर, तो वो ना तो क्लियर हो पाती है थ्रिप्स, और उस थ्रिप्स का रेडिजेंस पावर इतना डेवलप हो जाता है कि उस फिर उसके बाद अपन इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं अपन कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कारण यही है रिजल्ट नहीं आने का कि उसका रेडिजेंस पावर डेवलप हो गया, तो फिर अपने को हाई पेस्टिसाइड दवाइयाँ वो यूज में लेनी पड़ती है, तो इससे बढ़िया है ना दो स्प्रे आप निकाल दो। ये देखो पूरा एवरग्रीन प्लांट है, ग्रोथ का विशेष ध्यान रखो, अभी क्या है अगर बारिश का टाइम है, बारिश होगी तो कन्फर्म है ग्रोथ वापस तेज होगी, तो इसके लिए हमें जहाँ तक अच्छा लगा वो ये लस मोटोमो का लस है, वो ठीक लगा ग्रोथ रोकने, पौधे को भी नहीं मार रहा है वो, ग्रोथ भी कंट्रोल कर रहा, फ्लावरिंग भी अच्छी शेड करवा रहा है। ये देखो ये देखो थोड़े बहुत देखो देखो ये टेढ़े हो रहे ना, तो हम इसमें मैनेज कर रहे हैं क्यूबिकल के साथ है बोरोन, ये एकदम भर जाएंगे सारे, ये देखो टेढ़े वेढ़े हो रहे हैं, ये देखो ये